हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत 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 ही हेल्पफुल है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज हम बात करेंगे, अगर हमने एक ही बिल का ट्रांजैक्शन दोबारा कर दिया तो क्या हम उस ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा अलग है, मैंने ट्रांजैक्शन दोबारा नहीं किया। मेरा 900 रुपीज़ बिल था तो मैंने उस पर 10 बढ़ा दिया तो मेरे बिल की अमाउंट हो गई 9000 रुपये। तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको ये वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। चलो हम वीडियो के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको डेमो बुकिंग ऐप ओपन करना होगा। डेमो बुकिंग ऐप ओपन होने के बाद हमको सबसे पहले नीचे आना होगा, जिस फोल्डर में हम इलेक्ट्रिक बिल का ट्रांजेक्शन करते हैं, हमको इलेक्ट्रिक बिल का ट्रांजेक्शन कैंसिल करने के लिए उसी फोल्डर में जाना होगा। हम नीचे आ गए, हम सबसे पहले जाएंगे बिलर नाम के फोल्डर में, उस पर क्लिक करने के बाद इलेक्ट्रिक बिल कैसे लेना है ये तो हम जानते हैं। अब हमें जानना है इलेक्ट्रिक बिल का ट्रांजेक्शन कैंसिल कैसे करना है। आपको यहाँ पे सर्च नाम का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद स्क्रीन पर जो कैलेंडर जैसा सिंबल दिख रहा है उस पर क्लिक करना होगा। फिर एक कैलेंडर का पेज ओपन होगा, उस पर सेम डेट की तारीख पहले से ही सिलेक्ट की हुई है तो हमको सिर्फ ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद ये जो सर्च नाम का सिंबल है उस पर क्लिक करना होगा। आज आपने जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं वो सब के सब नीचे दिखाई देंगे, आपको इसको स्क्रॉल करके नीचे आना पड़ेगा। आज आपने जितने भी इलेक्ट्रिक बिल के ट्रांजेक्शन किए वो यहाँ पे सब शो हो रहे हैं। अगर कोई बिल दोबारा डाला हो तो उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। मैंने 900 का बिल था जो 10 बढ़ा के 9000 कर दिया, अब मुझे इस बिल को कैंसिल करना है। आपका प्रॉब्लम कोई भी हो सकता है, आपको ये ट्रांजेक्शन कैसे कैंसिल करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपको स्क्रॉल करके ऐसा नीचे आना होगा, अब साइड में स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे दिख रहा है प्रिंट्स कैंसिल, प्रिंट कैंसिल, ये जो बिल है पहले ही मैंने कैंसिल किया हुआ है। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ ये 9000 रुपये का बिल है, 900 के ऊपर। ये सेम बिल मैंने दोबारा डाल दिया है, 900 की जगह 9000 कर दिया है, ये कैंसिल किया हुआ है। आपको क्या करना होगा, प्रिंट के साइट में जो कैंसिल नाम का नाम दिख रहा है उस पर क्लिक करना होगा। ट्रांजेक्शन इज ऑलरेडी कैंसिल, तो मैंने पहले ही कैंसिल किया हुआ है। आप जैसे ही कैंसिल नाम के फोल्डर पर कैंसिल नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो डिवाइस में से एक प्रिंट बाहर आएंगे। हमने जो इलेक्ट्रिक बिल का ट्रांजेक्शन कैंसिल किया है वो उसकी प्रिंट बाहर आएंगी। मैं आपको बता देता हूँ प्रिंट कैसे बाहर आती है, ये देख लीजिए। कैंसल ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन डेट, बुकिंग ऑफिस, बीपीएम, कैंसिलेशन आईडी, अकाउंट नंबर, सर्विस प्रोवाइडर, बिल अमाउंट 9000 रुपये दिख रहा है, बिल डेट, स्टेटस कैंसल। इस तरह आपने जिस बिल का ट्रांजेक्शन कैंसिल किया है उसकी प्रिंट बाहर आएंगी। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा हमने जो ट्रांजेक्शन कैंसिल किया है वो कहाँ पे देख सकते हैं। आपको बैक एरो पर क्लिक करने के बाद ट्रांजेक्शन रिपोर्ट पे आना होगा। ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में ट्रांजेक्शन कैंसिल होने के बाद जो माइनस की हुई अमाउंट है वो सिर्फ ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में ही आपको दिखेंगी। ये देख लो, कैटेगरी, रिसिप्ट नंबर, ट्रैकिंग नंबर, यहाँ पे हमने जो बिल कैंसिल किया है ये यहाँ पे दिखाऊंगा, बुक और ये 9000 रुपये कैंसिल। आपका टोटल अमाउंट
जितना है उतना सिर्फ आप यहाँ देख सकते हैं। ये बिलर 10,090 रुपी, इसमें से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, अगर आप कैश बैलेंस रिपोर्ट में इसकी अमाउंट देखेंगे तो आपने जो बिल कैंसिल किया वो अमाउंट उसमें पेमेंट में दिखेंगी। ये देख लीजिए, इसकी प्रिंट निकाली हुई है मैंने। आपको बैक एरो पे क्लिक करना होगा, उसके बाद जाना होगा कैश बैलेंस रिपोर्ट में। इस कैश बैलेंस रिपोर्ट में आप जो भी जो अमाउंट देखने वाले हैं वो आपकी जो कैंसिल हुई है वो अमाउंट सिर्फ आपको पेमेंट में दिखेंगी, ना कि रिसिप्ट में। रिसिप्ट में आपने जो अमाउंट कैंसिल की है वो आपको पूरी टोटल दिखेगी, मतलब वो माइनस होके नहीं दिखेगी। ये देख लीजिए बिलर 19,090 रुपये ओनली। यहाँ पे नीचे पेमेंट दिखा हुआ है, यहाँ पे 9,000 रुपये का बिल हमने पेमेंट में दिखा दिया, मतलब वो हमारा जो हमने ट्रांजेक्शन कैंसिल किया था वो यहाँ पे पेमेंट में दिखेगा। लेकिन आपके वैलेट का जो बैलेंस है वो 9,000 रुपये से कम ही दिखेगा। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, कैंसिल आर्टिकल रिपोर्ट में भी ये ट्रांजेक्शन कैंसिल किए उसकी रिपोर्ट हम देख सकते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कैंसिल आर्टिकल रिपोर्ट। ये जो इलेक्ट्रिक बिल का ट्रांजेक्शन हमने कैंसिल किया है वो हम इसमें भी देख सकते हैं। ये यहाँ पे दिख रहा है बिलर, कैंसिलेशन आईडी, ट्रैकिंग नंबर, टोटल अमाउंट 9,000 रुपये, रिसिप्ट नंबर और स्टेटस है कैंसिल। हम इसकी भी प्रिंट निकाल के देख सकते हैं। ये देख लीजिए कैंसिल आर्टिकल रिपोर्ट, ये कैंसिल आर्टिकल रिपोर्ट है, इसमें भी हमारा स्टेटस है जो कैंसिल दिखेगा, लेकिन हमारे जो वैलेट का बैलेंस है वो 9,000 रुपये से कम दिखेगा, जो हमने 9,000 रुपये कम किए हैं। इसके बाद मैं आपको मेरी बोडा रिपोर्ट बताऊंगा। आप देख सकते हैं बोडा रिपोर्ट पर रिसिप्ट में बिलर रिसिप्ट अमाउंट 19,090 रुपी दिख रहा है, लेकिन आप पेमेंट में देख सकते हैं बिलर कैंसिलेशन अमाउंट 9,000 रुपी। इस तरह हम इलेक्ट्रिक बिल में कोई भी गड़बड़ी हुई है तो उसको ठीक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।